नाम है, और ये फिल्म है, ये है युवा आंदोलन, जो हमारे कल्याण जी द्वारा के जो अच्छे मित्र हैं, और इनकी ये तीसरी फिल्म है। इसके पहले इनकी ढूंढ लेंगे मंजिल हम काफ़ी अच्छी रही, उसके बाद ड्रीम सिटी मुंबई नगरी, और तीसरी फिल्म है कि ये है युवा आंदोलन। तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे हिंदी में मेरा रुख शुरू हो गया, रुझान हो गया, और ऐसे बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इनकी ये शाहिद माल्या जी, इनका गीत तो सारी दुनिया जानती है, काफ़ी हिट रहा था, धन्यवाद। तो ये आज इसका मुहूर्त हुआ एक गाने से। और ये फिल्म है, आज का युवा जो है जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, एमडी क्या बोलते हैं, एमडी ड्रग्स एमडी ड्रग्स जो ले रहे हैं, गलत आदतों में फंसे हुए हैं, तो उसी पे आधारित इस फिल्म की कहानी है। कि पब्लिक के लिए थोड़ा सा मसाला भी चाहिए, केवल शिक्षा प्रद हो तो मनोरंजन भी चाहिए, इसलिए हम आइटम गीत भी रखेंगे इसमें। हेलो, आई एम राशिका सिन्हा। रशिया जी, पूछना चाहूँगा, आप कल्याण जी के साथ काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंसान हैं, किस तरह के कलाकार हैं ये? बहुत टैलेंटेड है पहली बात, और दिल के बहुत साफ है, बहुत प्रोफेशनल है, और इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ काम करते रहूँ। ये आपकी डेब्यू फिल्म होगी? जी हाँ। क्या बैकग्राउंड क्या आपका, आपकी मॉडलिंग क्या है? जी हाँ, मैं मॉडल रह चुकी हूँ। आई हैव डन फॉर अनीक स्टोर जो दुबई में है। और क्या किरदार होगा इस फिल्म में, आपको भी बता सकती हैं? मैं इनके अपोजिट हूँ, कल्याण जी के अपोजिट हूँ। ये फिल्म जो है यूथ मूवमेंट पे, जैसा आपको मालूम होगा, जी क्या हाँ। कहना चाहेंगे यूथ के बारे में, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए यूथ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत है, पर ये बेसिकली मूवी ड्रग्स के ऊपर है, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, भले वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो, या कितने भी, एज लिमिट है ही नहीं। सो बेसिकली मूवी उसके ऊपर है। फिल्म यूथ पे है, आप ये समझते हैं आज का यूथ, जो यूथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यूथ का सोसाइटी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूथ है उनको, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हर आती चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो अच्छी हो या बुरी हो, वो जज नहीं करते। यूथ शुड लर्न टू से नो, लाइक अगर कोई उन्हें ड्रग ऑफर करता है तो उन्हें ना बोलना आना चाहिए, अगर कोई उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है तो ना बोलना आना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो गलत चीज़ के लिए उनको लीड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का सोच के, अपने आने वाली जनरेशन का सोच के उन्हें मना करना चाहिए। ये आपकी डेब्यू फिल्म है? यस। इससे पहले आपने क्या किया है? मैंने किशोर नमित कपूर से एक्टिंग में ग्रेजुएशन की है मेरी। okay. और फिलहाल मैं फ्रेश एक्टर हूँ, फिलहाल वर्किंग। किस एक्टर को एडमायर करते हैं इंडस्ट्री में आप? शाहिद कपूर, आई लाइक हिम। शाहिद कपूर हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन हिज कैरेक्टर्स, लाइक रोमांटिक टू समथिंग लाइक अ रिबेल इन हैदर। So I find him very inspirational.